हेलो, मैं सर साबन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने स्टार्ट कर दिया था 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1-4 हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, बस 1-10। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है LHS = ROHS। तो हम लेख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos, राइट। अब इसमें देखना, हम स्टार्ट करते हैं पहले LHS से। ये LHS साइड होती है, ये RHS साइड। हम LHS को उठाते हैं और RHS लेके आते हैं। देखना LHS लेफ्ट हैंड साइड cosec थीटा माइनस cot थीटा और इसका cos की फॉर्म में, तो इनको भी cos sin की फॉर्म में चेंज कर लो। 1 अपॉन sin होता है माइनस cos थीटा अपॉन sin होता है, होल स्क्वायर चल रहा है। एलसीएम आएगा sin थीटा, ऊपर बचेगा माइनस cos थीटा का, सॉरी अभी जस्ट हमने बाहर का लगा रखा है। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया sin स्क्वायर। देखना इसी को ऊपर वाले, ऊपर वाले को मैं क्या लिख रहा हूँ, एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मतलब क्या है, देखना स्क्वायर में तो दो बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जिसे मैं 1 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ ना, बट इस पर से कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो देखो a प्लस b cos थीटा और a माइनस cos थीटा क्या बच गया, ऊपर निकल यहाँ के बाद में क्या बच गया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही क्या है RHS एक्स प्रूफ। ये चीज पूछी थी, ये फाइंड करना था हमें, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू sin a। देखना इसी फॉर्म को LHS ले लेना है, LHS ले लेना है cos a 1 प्लस sin इधर मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर इक्वल LHS सी दिए हमने। अब एक चीज देखना, ऐसे भी देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखना cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin a डिवाइड बाय cos a 1 प्लस sin a। ऊपर वाली चीज में देखना, हम क्या लिख रहा हूँ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 sin a डिवाइड बाय sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, नीचे वाला sin है 1 होता है, तो मैं ऊपर वाला कर देता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a। जस्ट ऊपर कर रहा हूँ उसको, लेकिन ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचा 1 प्लस sin a
नीचे भी कुछ साइन सीटा बचा हुआ साइन है और प्लस नीचे क्या बचा है कॉस वन प्लस कॉस वन प्लस साइन से वन कॉस वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कट गया क्या बचा वन अपॉन कॉस देखना टू इंटू वन अपॉन कॉस है वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक सेक है तो क्या लिख सकते हैं कोसाइन है बराबर आर एच एस एक्स प्रूफ ये लेके आना था देखो आर एच एस के बराबर ये एल एच एस एक दूसरे के इक्वल है इजीली समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री जो भी काफी इजी है अपना क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री है जो दिया हुआ है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस से थीटा इसमें एक हिंट दी हुई है हमें कि इसको साइन कोस के फॉर्म में लिखना है ठीक है साइन कोस के फॉर्म में लिखना था एल एच एस उठाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन टेन को क्या कहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे क्या ले लिया हमने एलसीएम साइन थीटा इसके नीचे बनता साइन थीटा इससे बड़ी क्या है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया इससे बड़ी क्या है वो कॉस थीटा माइनस साइन देखना इन दोनों में सही रूप मिल गया है कि नीचे नीचे वाली चीज कहाँ से जाएगी ऊपर ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये भी ऊपर चल जाएगा और स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मिस्टर में कॉस थीटा माइनस साइन इन दोनों में एक चीज देखना यहाँ तो कॉस यहाँ साइन लेकिन देखना यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यदि मैं इनमें से किसी में से भी माइनस को मिलेगा तो किसी में से माइनस को मिलूंगा तो माइनस की चीज तो प्लस में जाएगी प्लस की चीज माइनस में जाएगी देख रहे हैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यहीं से ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस माइनस माइनस को ले लेते तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस एक दूसरे का जस्ट सेम इक्वल हो गया क्या ले लो वापस एलसीएम तो एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बजाय कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बजाय पूरा कैंसिल होने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी नाम होती है ए माइनस बी देखना इसके चीज में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा राइट ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ नीचे लिख रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया
राइट। और यहाँ पर हमने टू नहीं लगाया, टू लगाना हमने आगे करते थे। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, राइट। अब एक चीज देखना, मैं इसके साथ अलग लिख रहा हूँ, इसके साथ अलग लिख रहा हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ये वाली स्टेप रख कर रहा हूँ, वहां जो लिखी है उसको मैं याद दिला, देखा क्या लिखा है, वन अपॉन अलग अलग लिखा है, जैसे हमको बोल दिया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया पूरा, वन अपॉन साइन थीटा को लिख लो इनटू वन अपॉन कॉस थीटा को लिख लो प्लस वन, वन को आगे लिख रहा हूँ प्लस, इसको मुझे वन अपॉन साइन थीटा क्या कहते हैं कोसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा को बराबर आर एच एस एस प्रूफ। ये लेके आना था मैं फॉर्मूला, बस इसी ध्यान रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। इजीली समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने दिया हुआ है, क्वेश्चन भी क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है 1 प्लस sec a अपॉन sin a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है लेफ्ट साइड और आर साइड, हिंट देंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट दोनों को साथ ही में चलने देते हैं, इसको किस में चेंज कर लो, cos a अपॉन sin a लिख देते हैं, sec अपॉन क्या लिखते हैं अपॉन इधर sin स्क्वायर a यानी 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही से मैंने एलिमिनेट कर दी डिवाइड बाय 1 माइनस cos, देखने हैं आंसर मिल रहा है cos a इससे मल्टीप्लाई होगा cos a प्लस a डिवाइड बाय 1 अपॉन cos a, cos a से cos a कट गया क्या बच गया cos a प्लस a। आगे चेस की सॉल्व करना है 1 माइनस इसको स्क्वायर कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस कोस ए माइनस कोस और माइनस कोस ए माइनस माइनस जाएगा क्या बचेगा वन प्लस कोस एक दूसरे के बराबर है आगे भी सकते ना आगे वन को, तो एल एच एस बराबर आर एच एस इजीली सॉल्व होगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमें दिया हुआ है cos a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये सर्व समीका दी हुई है हमें और वैल्यू है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो कोसेक्स को कोट में चेंज करना है, तो देखना कोस इसको कोट में चेंज करूंगा तो साइन का डिवाइड इसमें कर दो साइन से ऊपर नीचे भाग
देने पर साइन डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई, एन मल्टीप्लाई, देखना हम कर रहे हैं इसमें ऊपर वाले में, यदि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, और नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, देखना इसी के बाद में हो ये हमने किया है इसमें कितने प्रिंट नहीं है, ये हमें लगाना है कब देगा हमने इसमें, जब कोसेक्स में चेंज करना है कोट में चेंज करना है, देखना अब देखना मैं इसको सबको साथ अलग अलग लिख रहा हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, यहाँ देखना क्या है कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है कोट, कोट ए माइनस साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन अपॉन कोस क्या होता है कोस एक्स डिवाइड बाय कोस अपॉन साइन कोट प्लस वन माइनस कोस एक्स, हमें इनको साथ में रखना होगा कोस एक्स ए प्लस कोट ए माइनस वन डिवाइड बाय कोट ए प्लस वन माइनस, नीचे वाले को छेड़ना ही नहीं, ये दोनों को साथ ले ले क्योंकि ये लेके आना था, अब इस सिग्नल वन का क्या कर रहा हूँ, जो हमें गिवन है ये गिवन था, उस गिवन को उठा रहा हूँ, गिवन क्या है कोस एक्स स्क्वायर एल इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर, देखना मैं यहाँ से बहुत ही बोलूँ ये भी इधर आएगा कोस एक्स स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये इधर आएगा इस वन की जगह, क्या लिख रहा हूँ उस वन की जगह ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, देखना ये वाली चीज समझ में आई होगी ना आपको, मैं यहीं से इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, देखना इसी चीज को यहाँ पर, इसके बाद में इधर देखना क्या हो रहा है कोसेक्स ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस, देखना ऊपर वाले में से यदि मैं इसको कोसेक्स ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा है, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइड बाय क्या बनता है, क्या फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से देखना आगे इसको इरेज कर रहा हूँ यहीं से, समझ के ना इसके बाद का उधर कर दिया हमने, देखना अब इसके जस्ट बाहर ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट अलग है ये वाला पार्ट अलग है, पूरा क्या कॉमन आ रहा है cos x a plus क्या बचेगा इसके जगह, ये भी बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा वन माइनस, देखना माइनस ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, बट प्लस वाली चीज तो बाहर ले ली माइनस वाली चीज बच गई इसके अंदर cos x a minus cos x a minus और ब्रैकेट बंद कर रहे हैं दोनों डिवाइड बाय कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए वन माइनस, देखना माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का कोट ए, नीचे की चीज कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक, देखना दोनों फॉर्म सेम है, वन प्लस का ही है कोसेक्स माइनस का ही है और प्लस का ही, तो पूरे पार्ट कट जाएगा तो बच्चे का क्या कोसेक्स और प्लस बराबर आर एच एस एंड स्क्वायर,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली समझ में आया। इसमें जो गिवन है वही था मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स से काफी इजी प्लस एन ए अपॉन वन माइनस सेवन इक्वल टू सेवन ए प्लस टेन। ऐसे क्वेश्चन में साइन चेंज से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करके वही में करंट देते हैं। वही व्यक्ति पड़ेगा ऊपर नीचे कर सकता है। एलएचएस पार्ट में है एलएचएस और आरएचएस, देखना एलएचएस पार्ट में मैंने परिमेयकरण कर दिया, क्या बन गया इधर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इधर क्या बन गया ए प्लस बी माइनस ए माइनस वन प्लस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इसको जैसे वन का स्क्वायर कितना होता है वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोनों के साथ। देखना यदि मैं रूट अलग अलग लगाऊँ वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर ए, देखना स्क्वायर से रूट कट गया डबल स्क्वायर से रूट क्या बच गया वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस, कॉस को दोनों के साथ अलग अलग लिख दो कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस वन अपन कॉस क्या होता है साइन ए प्लस साइन अपन कॉस क्या होता है टेन ए, यही क्या था आरएचएस, देखिए ऊपर एक्स प्रूफ इजीली हमने कर दिया राइट, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन, इसी क्वेश्चन नंबर सेवन है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू देखना LHS find LHS उठाता है LHS क्या है ऊपर से sin theta को मैं ले रहा हूँ 1 minus 2 sin square theta बचेगा नीचे से cos theta को मैं ले रहा हूँ cos theta तो क्या बच गया 2 cos square theta minus 1 right sin upon cos क्या होता है 10 ये तो लेके आना है लेकिन ऊपर कुछ बचा हुआ है अलग से 2 sin square theta upon हम एक चीज जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये उधर चला जाएगा, यहीं पे रख रहा हूँ टेन थीटा वन माइनस टू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसी भी एक चीज को चेंज करना है डिवाइड बाय तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टू इससे मल्टीप्लाई हुआ टू फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जस्ट यहाँ अपोजिट कर ऊपर कर रहा हूँ देखना टेन थीटा माइनस के टू में से बन जाएगा तो माइनस का मैं नीचे लिख रहा हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा टू आएगा ना बेटे टू इससे मल्टीप्लाई होता है तो टू आएगा यहाँ पर तो इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ और नीचे क्या है तो कोई सब बैठ गया माइनस का नहीं पूरा कैंसिल क्या बच गया टेन थीटा यही था आरएचएस एक्स प्रूफ काफी इजी समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है साइन ए
प्लस कोस ए का कोसेस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखना साइन ए कोस ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अरे जैसे उदाहरण ए प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस एक्स ए प्लस इसमें भी ए प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है तो प्लस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए राइट। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए cos sec ए प्लस टू cos ए sec। देखना वन प्लस cos x ए प्लस sec स्क्वायर ए टू इंटू साइन ए cos ए की वैल्यू कितनी होती है वन इसे पता लगा देगा sin a cos a यदि cos a एक ही निकलो बना कौन sin a sin a sin a कट जाएगा कितना आएगी इसकी वैल्यू बन ऐसे cos a और sec a की जब वैल्यू हो वो कितनी होती है वन प्लस वन टू इंटू वन वन प्लस टू प्लस टू प्लस cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर कितना हो गया फाइव प्लस cos x स्क्वायर a को हम क्या कहते हैं फॉर्मूला पढ़ा था हमने वन प्लस cot स्क्वायर a प्लस x स्क्वायर a को वन प्लस tan स्क्वायर तो वन वन कितना हो जाएगा सेवन फाइव प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर बराबर आ रहा है जैसे ही इसलिए समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया ब्रैकेट को ओपन कर दिया प्लस बी का होल स्क्वायर से ये वैल्यू जिसको पता होगी जस्ट अपोजिट होते हैं दूसरे की वैल्यू में कितनी होगी वन। क्वेश्चन नंबर एट काफी इजीली कंप्लीट कर दिया इजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन और सेक्स ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a लेफ्ट एंड राइट दोनों सॉल्व करना है दोनों साथ में करते नहीं सकते इसको sin upon cos के फॉर्म में करते हैं sin और sin है इसको 1 upon cos a कहते हैं is equal to 1 upon sin theta sin a upon cos a plus cos a upon sin चेंज करते हुए जा रहे हैं ऐसे ले लो साइन ए तो वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए इधर भी लोगे ऐसे तो क्या बचेगा और से तो वन माइनस और से स्क्वायर वन अपॉन क्या ऐसे माइनस साइन ए और से साइन स्क्वायर ए प्लस और से स्क्वायर ए राइट। ये देखना वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं साइन स्क्वायर को साइन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय इसको क्या कहेंगे साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन ए साइन ए कौन से ऊपर चल गया साइन ए कॉस ए इसकी वैल्यू कितनी होती वन क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है यहाँ से हम तीनों जगह रखा है इसकी जगह वन रखा है और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता चलता तो माइनस का होता तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसी पर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता तो हमने साइन स्क्वायर ए कर दिया थीटा की वैल्यू ए थी इसलिए। अब देखना इन दोनों में से देखना साइन का स्क्वायर कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया क्या बोलते साइन ए कॉस ए बराबर साइन ए कॉस ए बराबर होंगे LHS बराबर LHS एंड प्रूफ इजीली समझ में आया होगा।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस। देखना ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, मैं क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ जो किया था ऑप्शन वाले में, जो प्रूफ किया था कि इसके बराबर होता है सेम एज इट इज, तरीके से साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में चेंज करके, तो आप सभी भी कर सकते हैं उसी को देखकर। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसको फोर्थ सोल्व करवाया था, वहां कहा भी था इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आगे अपने काम आएगा क्वेश्चन नंबर पे। तुम देखना इस वाली चीज को प्रूफ कर रहा हूं, एलएचएस ले रहा हूं ये वाला साइड और ये आरएचएस। तो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस 4 ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए अपॉन 1 माइनस क्या लोगे ऊपर एलसीएम cos a, cos a माइनस sin a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a एलसीएम ले लीजिए का होल स्क्वायर। देखना sin ऊपर ही ऊपर चल जाएगा, नीचे cos, तो ऊपर ऊपर कौन है cos a माइनस sin a और नीचे क्या है sin a माइनस cos a, ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या जाएगा माइनस sin a में है ना भाई, तो a में रहेगी माइनस कॉमन लेते माइनस आ गया जाएगा, तो माइनस की चीज़ तो प्लस की है, प्लस की चीज माइनस की लेगी, तो sin a माइनस cos a डिवाइड बाय cos a, नीचे की चीज सेम रहे, ये दोनों सेम है होल स्क्वायर, तो माइनस साइन साइन अपॉन cos का कितना 10 10 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर माइनस क्या होता है प्लस 10 स्क्वायर, प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ बात बराबर है, बराबर आरएचएस एंड स्क्वायर। ये हमने 8.1 8.2 8.3 8.4 कंप्लीट कर लिया आज एक्सरसाइज में, ओके इजीली समझ में आया होगा, ठीक है ओके।